गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग से मनी प्लांट के बारे में केयर टिप्स शेयर करूंगी कि किस तरह से हम मनी प्लांट को ग्रो करें और उसकी देखभाल करें, किस तरह से मिट्टी तैयार करें और कौन कौन से खाद उनमें डालें। तो उससे पहले मैं अपने गार्डन का थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए रजनीगंधा, इसमें अब फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरा मनी प्लांट मैंने डिस्पोजल ग्लासेस में ग्रो किया है और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही है। आप लोग को दिख रहा होगा न्यू न्यू पत्तियाँ आने लगी है। तो हम मनी प्लांट की किस प्रकार की कटिंग लेकर हम लगा सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा मनी प्लांट है। तो आप कम से कम इतनी लंबी कटिंग, जिनमें दो पत्तियाँ हो, देखिए मैंने इसे कट कर दिया है, तो कम से कम इतनी आप कटिंग ले लीजिए। और ख़ासकर ऐसे कटिंग लीजिए जहाँ पर इस तरह से रूट्स हो, ये बहुत जल्दी ग्रो होगी फ्रेंड्स। और आप चाहें तो एक पत्तियों से भी मैंने ग्रो किया है। ये देखिए, ये वाला मेरा, मैंने एक पत्ती ली थी, सिर्फ मेरा ये वाला पत्ती था, एक पत्ती से मैंने इसे ग्रो किया है। देखिए अब इसमें दूसरी पत्ती आने लगी है। तो एक पत्तियों से भी मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से मैंने तीन कटिंग लगाई थी, इसमें गुलदाउदी की कटिंग भी मैं लगा दी थी, वो भी ग्रो हो गया है देखिए। और एक ये मैंने गमले में लगाया है, 10 इंच का पॉट है ये, और इसमें देखिए मैंने मॉस स्टिक भी लगाया है और ये ऊपर की ओर इस तरह से राउंड में चढ़ रहा है। तो मनी प्लांट की छोटी सी छोटी कटिंग भी आप बहुत इजी से ग्रो कर सकते हैं। तो आप इसे 50% रेत और 50% मिट्टी करके भी लगा सकते हैं और रेत में भी लगा सकते हैं, दोनों में ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। इस प्लांट को फ्रेंड्स, हम इनकी पत्तियाँ बहुत ग्रीन होती है, इस कारण से हम इसे अपने गार्डन में अपने घर पे लगाते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, हर कोई मनी प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाता है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत ग्रीन पत्तियों वाला प्लांट है। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर मनी प्लांट का पौधा ज़रूर लगाइए। तो मनी प्लांट के लिए किस तरह से मिट्टी हम तैयार करेंगे, तो मनी प्लांट के लिए आप बिल्कुल जिस मिट्टी में नमी हो इस प्रकार की मिट्टी बनाइए। तो इसके लिए मैं 60% गार्डन की मिट्टी ली थी और 20% रेत और 20% खाद और 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर। फंगीसाइड पाउडर फ्रेंड्स, मैं हर प्लांट को लगाने के लिए मिट्टी में ज़रूर लेती हूँ। तो आप भी इस तरह से मिट्टी तैयार कर सकते हैं क्योंकि इस प्लांट को मॉइस्ट मिट्टी पसंद है और उसी की वजह से इनकी पत्तियाँ बिल्कुल ग्रीन रहती हैं। देखिए कितनी ग्रीन है, कितनी सुंदर है, दिख रही हैं। तो इस तरह से आप इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और जब आपका प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप इसमें मॉस स्टिक भी लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने मॉस स्टिक अपने घर पर बनाया है, जो जूट के बोरे आते हैं उसी से मैंने बनाया है। तो आप जूट का बोरा जितना साइज़ का चाहते हैं उतने साइज़ का कटिंग कर लीजिए और उसे गीला करके एक लकड़ी में लपेट कर इस तरह से जगह जगह से बांध दीजिए और गमले में लगा दीजिए, जिससे यह प्लांट उसमें ट्रायल करने लगेगा, बिल्कुल ऐसे राउंड राउंड जाने लगेगा। और ये देखिए, मेरा ये प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए, इसे मैंने आज कटिंग कर दी थी ताकि इससे और ज़्यादा ब्रांच निकले। और इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप मॉस स्टिक लगाते हैं तो हमेशा यह मॉस स्टिक गीला रहना चाहिए, हमेशा इसमें नमी रहना चाहिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मनी प्लांट की रूट्स निकलती हैं इस तरह से। तो यदि आपका मॉस स्टिक गीला रहेगा तो इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। ये देखिए, जगह जगह से इसमें इनकी रूट्स बाहर आई हैं और मॉस स्टिक में लगी हुई हैं। तो इससे ये क्या करेंगी, इससे नमी लेंगी ये रूट्स। तो इस तरह से आप मॉस स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्लांट को आप इंडोर रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं, लेकिन आउटडोर में क्या होता है फ्रेंड्स, ज़्यादा सनलाइट की वजह से इनकी पत्तियाँ इतनी ग्रीन नहीं होती हैं, लाइट ग्रीन हो जाती है। तो आप इसे इंडोर रख सकते हैं, हॉल में रख सकते हैं, लिविंग एरिया में रख सकते हैं। यह प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो मैंने तो इसे अपने घर में पोर्च में रखा है और यहाँ पर छन कर धूप आती है, इनडायरेक्ट सनलाइट आती है। तो इस तरह से आप इसे ऐसे स्थान पर रख सकते हैं। तो चलिए फर्टिलाइज़र के बारे में बातें कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसे फर्टिलाइज़ करें जिससे हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ ले और इनकी पत्तियां अच्छे से ग्रीन हो। तो जिस समय आप मिट्टी तैयार करते हैं उस समय तो खाद आप ज़रूर यूज़ करते हैं 20%,
लेकिन प्लांट लगाने के बाद कम से कम एक महीने के बाद इसमें आप एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इनकी जड़ों में दे सकते हैं। और जब आपका प्लांट अच्छा बड़ा हो जाए और उनमें इस प्रकार की रूट्स निकलने लगे फ्रेंड्स, तो आपको फर्टिलाइज़र स्प्रे करना है। इस प्रकार का फर्टिलाइज़र यूज़ करना है जो जिसे हम स्प्रे करें और हमारा प्लांट उससे हमारे प्लांट को अच्छे से ग्रोथ मिले। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ, ये देखिए, ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट तो सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स, तो एप्सम सॉल्ट है। तो आप एक चम्मच, एक लीटर पानी में एक चम्मच इस को ले लीजिए एप्सम सॉल्ट को, और इसको सभी तरह से इस तरह से देखिए मैंने लिया है और मैंने आज सुबह ही इसमें स्प्रे किया है। तो आप स्प्रे जब भी करें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इनकी जो जड़ें हैं इन पे ज़रूर स्प्रे कीजिए आप, क्योंकि इन्हें से इनको भोजन मिलेगा और यह अच्छे से ग्रोथ भी लेगा। तो देखिए मेरी प्लांट की जड़ें कितनी अच्छी हैं। तो मैं इसी में स्प्रे करती हूँ, पत्तियों में भी करती हूँ ताकि पत्तियाँ ग्रीन रहें। तो आप एप्सम सॉल्ट ले सकते हैं, अगर आप बायो एंजाइम बनाते हैं तो, मैं भी बनाती हूँ लेकिन फ़िलहाल मेरे पास तो अभी नहीं है, संतरे का बायो एंजाइम, वेजिटेबल का। तो अगर आप बनाते हैं तो उसका बायो एंजाइम का एक ढक्कन 2 लीटर पानी में ले लीजिए और उसे अच्छी तरह सेक करके पूरे प्लांट को अच्छे से नहलाइए, और उनकी रूट्स में भी ज़रूर डालिए, यहाँ पर जहाँ जहाँ रूट्स है इनकी, ये देखिए। तो इनको क्या है फ्रेंड, उसी से इनको भोजन मिलेगा और आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो भी होगा और पत्तियाँ भी बिल्कुल ग्रीन। एप्सम सॉल्ट से तो पत्तियाँ वैसे भी ग्रीन होती हैं, तो बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेगा। तो फ्रेंड्स मनी प्लांट के लिए तो इतना केयर टिप्स आप करेंगे और अपने घर पे बहुत अच्छे से एकदम ग्रीन पत्तों वाले मनी प्लांट पाएंगे। देखिए इतने छोटे से पॉट में मैं लगाई हूँ फ्रेंड्स, और देखिए इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे हैंगिंग पॉट में लगाऊँ और जिससे ये बहुत अच्छा दिखेगा और ग्रीन पत्तियाँ तो है ही। तो इस प्रकार से आप इनको लगा सकते हैं। और जहाँ तक रहा सवाल